इतने छोटे से डब्बे में विंडो 11 प्रो 8GB की DDR5 की रैम और इंटेल का 12th जनरेशन प्रोसेसर। भाई ये क्या चल रहा है दुनिया में, इतने छोटे से डब्बे के अंदर इतनी सारी चीजें भर दी कंपनी वालों ने, ये ना भाई फाड़ देगा परफॉर्मेंस में, क्योंकि स्पेसिफिकेशन इसकी इतनी तगड़ी है। तो सबसे पहले चमचमाता काला डब्बा आएगा जिसमें से एक मिनी पीसी निकल जाएगा और क्या ही प्यारी डिजाइन है इसकी। एक एडाप्टर मिलेगा, एक HDMI केबल मिलेगी और वॉल माउंट के स्टैंड भी मिल जाएंगे। तो आप इसको LED या मॉनिटर के पीछे डायरेक्टली माउंट भी कर सकते हो और जब आप यहाँ पे मॉनिटर को ऑन करोगे तो उसके साथ ये भी ऑन हो जाएगा, आपको बार बार उंगली करने की जरूरत नहीं है इसे ऑन करने के लिए। फ्रंट साइड में एक पावर का बटन मिलेगा, लेफ्ट साइड में 3 USB के पोर्ट है जो कि तीनों यहाँ पे 3.0 को सपोर्ट करते हैं। बैक साइड में DC का पोर्ट मिलेगा और एक ऑडियो का पोर्ट मिलेगा और इसके अंदर भाई दो लैन पोर्ट है तो स्पीड अपने को डबल मिलेगी। मजाक कर रहा हूँ भाई, इसका एक्चुअल में क्या काम है वो थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा। राइट साइड में अपने को 3 HDMI के पोर्ट मिलेंगे इतने छोटे से बॉक्स में और इसके थ्रू आप यहाँ पे 4K 60 का आउटपुट ले सकते हो मल्टीपल मॉनिटर में। अब इतने छोटे से डब्बे में अपने को किस लेवल की स्पेसिफिकेशन मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 8GB की DDR5 की रैम यूज हुई है 48 MHz की और ये जो रैम यूज हुई है ना भाई ये फ्लैगशिप सैमसंग ब्रांड की है जिसकी यहाँ पे स्पीड है 6.4 GBPS और ये यहाँ पे 4 स्लॉट में यूज हुई है। समझ रहे हो, मतलब इसके अंदर यहाँ पे 2 2 2 2 के 4 स्लॉट यूज हुए हैं रैम के लिए और इसके अंदर जो 4 मॉड्यूल यूज हुए हैं ना रैम के वो ज्यादा एफिशिएंसी से आपको परफॉर्मेंस देंगे। एग्जांपल से समझ लो, मान के चलो एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, उसके अंदर सिर्फ एक गेट लगा हुआ है तो उस गेट के अंदर से एक टाइम पे एक ही बंदा आ सकता है अंदर। लेकिन अगर उसी शोरूम के अंदर यहाँ पे 4 गेट बना दिए तो एक टाइम पे 4 बंदा आ सकते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर आपके कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे रैम के ज्यादा मॉड्यूल है या फिर ज्यादा स्लॉट में आपने रैम को डिवाइड कर रखी है तो सीधी से बात है ना, डेटा को कैप्चर करने के लिए आपके पास यहाँ पे 4 4 गेट है। ज्यादा डेटा आएगा तो तेज परफॉर्मेंस आपको मिलेगी तो इसके अंदर वो फायदा मिल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर 256GB की यहाँ पे M.2 SSD यूज हुई है। अब ये सारी बातें तो ठीक है लेकिन एक कंप्यूटर की जान क्या होता है, ऑब्वियसली उसका प्रोसेसर। तो इसके अंदर अपने को इंटेल का 12th जनरेशन प्रोसेसर मिल रहा है N95 जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था। ये प्रोसेसर अपना 4 कोर 4 थ्रेड का जिसके ऑप्टो क्लॉक स्पीड यहाँ पे 3.4 GHz है और तुम्हें जान के यहाँ पे हैरानी होगी लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो i3 11th जनरेशन और i7 8th जनरेशन से ज्यादा बेटर है। तो आपको इसके अंदर यहाँ पे 30% फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगी इन प्रोसेसर के कंपेयर में, क्योंकि अराउंड जिस प्राइस में आता है ना उसके अंदर जो अपने को लैपटॉप मिलते हैं ना उनके अंदर ना जनरली यहाँ पे डुअल कोर के प्रोसेसर होते हैं या सेलेरॉन के प्रोसेसर होते हैं या ज्यादा से ज्यादा अपने को i3 की सीरीज मिल जाती है। लेकिन उनके कंपेयर में ये ज्यादा फास्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा अपने को सेम प्राइस के अंदर। विंडो 11 प्रो जेन्युइन इसके अंदर मिलेगी, वाईफाई 5 और BT 4.2 भी इसके अंदर अपने को मिलेगा तो इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन है। अब गाइस तुम सोच रहे होंगे कि हम यार ये मिनी पीसी क्यों लें, हमारे पास तो डेस्कटॉप और लैपटॉप का ऑप्शन है तो ये वाला ही क्यों हमें खरीदना चाहिए। तो इसके यूज केस क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोटोशॉप में आप मल्टी लेयर की एडिटिंग करो, हैंग नहीं होएगा। 1080p की एडिटिंग करनी हो, इनफेक्ट 4K एडिटिंग भी आपको करवा के देगा, उसमें भी लैग नहीं होएगा। कोडिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी इसके अंदर चल जाते हैं, उसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा ब्लेंडर जैसे जो डिजाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो भी ये हैंडल कर लेगा लगभग, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब गाइस सबसे मेन बात जो अपने दिल से जुड़ी भी है, गेमिंग परफॉर्मेंस, उसे कैसे भूल सकते हैं अपन यार। तो मैंने इसके अंदर GTA 5 प्ले करके देखा था और ये अपने आप में भाई नेक्स्ट लेवल बात है, क्योंकि आप खुद सोचो इतना सा छोटा फॉर्म फैक्टर जो मेरे हाथ में आराम से आ जाता है इसके अंदर GTA 5 इतनी अच्छी परफॉर्मेंस में चल रहा है। इसके अलावा वैलोरेंट भी मैंने इसके अंदर प्ले करके देखा था, उसके अंदर भी मुझे तगड़े FPS मिले और बेसिकली वैलोरेंट ना अपना GPU सेंट्रिक गेम है तो वो तो आराम से इसमें चली जाएगा। और मल्टीटास्किंग का सीन तो भाई इसमें एक तरफ है, अरे यार DDR5 की रैम यूज हुई है। इस पीसी के अंदर मैंने क्रोम के अंदर मल्टीपल टैब ओपन करके देखे थे, हैंग नहीं हुआ। और भाई तुम मानोगे नहीं लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इसके अंदर GTA 5 प्ले करा था और उसको मिनिमाइज कर दिया और उसको मिनिमाइज करते हुए मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर ओपन करे तब भी मुझे 1% भी यहाँ पे डाउनग्रेड नहीं मिला परफॉर्मेंस में। तो मल्टीटास्किंग और रैम मैनेजमेंट के मामले में भाई ये अंधाधुंध काम करता है, क्योंकि DDR5 की रैम ना भाई कोई मजाक नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी की रहती है। अब इस मिनी पीसी के अपन ने डिजाइन देख ली, स्पेसिफिकेशन भी देख ली और परफॉर्मेंस भी देख ली और 3-4 ना गिने चुने इसके की फीचर है जो कि इसको डिफरेंट बनाता है अलग मिनी पीसी से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो लुक के मामले में ना ये थोड़ा थोड़ा आपको एप्पल मैक मिनी जैसा लगेगा, क्योंकि इसकी जो डिजाइन है ना वो लगभग अपने को उस जैसी लग सकती है। इसके अलावा इसके अंदर जो अपने को 2 लेन के पोर्ट मिल रहे हैं ना ये नेटवर्क सिक्योरिटी में काम आता है, मतलब कंपनी वालों ने बोला है कि नेटवर्क फायरवॉल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखो इसका काम क्या है मुझे तो अभी तक पता नहीं चला, अगर आप में से किसी को पता है कि नेटवर्क फायरवॉल में किस तरीके से काम आते हैं इसके 2 लेन के पोर्ट तो मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मुझे तो पता चली जाए, साथ में इस वीडियो को जो देखेंगे उन्हें भी आइडिया लग जाए कि लेन का इसमें काम क्या है। अब ये जो मिनी पीसी है ना ये बहुत ही छोटे फॉर्म फैक्टर में आता है तो ऑब्वियसली ये हीट तो होता है,
लेकिन ये इतना ज्यादा हीट नहीं होता क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे वर्ल्ड की एडवांस कूलिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज हुई है जो कि काफी हद तक इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखती है। तो अगर आप गेमिंग करो, प्रोडक्टिविटी करो या मल्टीटास्किंग करो, ये आपको कंटिन्यूसली अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, ज्यादा हीट ये होगा नहीं। तो सीधी से बात बताऊ ना तो ये मिनी पीसी आपकी सारी जरूरत को पूरा कर देगा। और ये जिस प्राइस में आ रहा है ना वो मत भूलो, 24,000 रुपए में भाई आपको लैपटॉप भी नहीं मिलते ठीक ठाक से, डेस्कटॉप तो बहुत दूर की बात, तो ये क्या महंगा फिर यार। और मेरे भाई ये वाला जो मिनी पीसी है ना इसके साथ अपने को अभी यहाँ पे वायरलेस कीबोर्ड माउस बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, जिसमें से यार माउस तो मैं पर्सनली यूज भी कर रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी का यार ये, तो कौन छोड़ेगा माउस को। तो कहने का मतलब इतना सा है कि ये ऑफर कब तक रहेगा मुझे पता नहीं है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप बाय कर लेना। और इस मिनी पीसी की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। खैर तो अगर आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से बाय करते हो तो आपको कीबोर्ड माउस अलग से मिलेंगे वो भी फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के बाय करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूँ। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, मैं मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।